प्यार की तलाश में अपना देश छोड़कर पाकिस्तान गई अंजू को फंसाने की तैयारी अब खुद पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान उसे हमेशा के लिए अपने पास रखने की साजिश बुन रहा है। दरअसल भारत से पाकिस्तान जाने वाली दो बच्चों की मां अंजू का वीजा पाकिस्तान ने बढ़ा दिया है। तो वहीं पाकिस्तान से ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि अंजू से फातिमा बन नसरुल्ला से शादी करने के बाद पाकिस्तान के एक व्यापारी ने उन्हें रहने के लिए प्लॉट, पैसे और तोहफे दिए हैं। दरअसल आपको बता दें, नसरुल्ला पाकिस्तान के खैबर प्रांत के अपर डीर जिले का रहने वाला है। यहीं अंजू की उससे शादी हुई, जबकि पिछले सप्ताह अंजू और उसका पति इस्लामाबाद में देखे गए थे। यहां बता दें कि अंजू का वीजा सिर्फ पाकिस्तान के अपर डीर जिले का ही है। भारत और पाकिस्तान के वीजे पर एक शर्त रहती है कि इनके तहत एक दूसरे मुल्क में जाने वाला शख्स सिर्फ उन्हीं शहरों में जा सकता है जिसका नाम उसके वीजा पर हो। अंजू के वीजा पर अपर डीर जिले में जाने की इजाजत दी थी, लेकिन फिर भी वो इस्लामाबाद में दिखी। इससे कई सवाल उठने लगे। दरअसल पाकिस्तान के आंतरिक मामलों के मंत्रालय के मुताबिक अंजू को अपर डीर शहर के लिए एक महीने का वीजा मिला था। हालांकि नसरुल्ला का कहना है कि पाकिस्तान की सरकार ने अंजू का वीजा दो महीने के लिए बढ़ा दिया है। उसने बताया है कि फातिमा का वीजा अभी दो महीने के लिए बढ़ाया गया है और जल्द ही इसे एक साल का वीजा भी मिल जाएगा। बता दें, नसरुल्ला का कहना है कि फातिमा अब हमेशा के लिए यहां पाकिस्तान में ही रहेगी। इसके साथ नसरुल्ला चाहते हैं कि भारत सरकार अंजू के दोनों बच्चों को भी पाकिस्तान भेज दे। नसरुल्ला इस मांग के पीछे माँ बच्चों के अटूट संबंधों का हवाला दे रहा है। हालांकि भारत में रह रहे अंजू के बच्चे हरगिज भी पाकिस्तान जाना नहीं चाहते। हाल ही में अंजू ने भारत में अपने पति को फोन किया था। फोन पर इन दोनों की काफी बहस हुई। इस दौरान अंजू ने बच्चों को पाकिस्तान भेजने की बात कही, जिस पर उसके पति ने साफ इनकार करते हुए बताया कि बच्चे उसे भूल चुके हैं और हरगिज भी पाकिस्तान जाना नहीं चाहते। अंजू ने पिछले महीने ही धर्मांतरण करते हुए इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लाम कबूल करने के बाद उसे फातिमा नाम दिया गया। फातिमा बनने के बाद अंजू ने नसरुल्ला से निकाह भी कर लिया। इसी नसरुल्ला से अंजू की दोस्ती इंटरनेट के जरिए हुई थी, जो बाद में प्यार में बदल गई। इस प्यार के लिए अंजू अपने दो बच्चों और पति को छोड़कर पाकिस्तान चली गई।